What's up everyone, welcome back to the channel, welcome to the 100 days commerce masterclass. कल की क्लास में बच्चों मैंने आप लोगों को दो काइंड्स ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट रिटायरमेंट में कराई थी, आज दो और कराने वाला हूं और कल की क्लास में एक फाइनल बचेगी वो करा दूंगा. तो ये तीन क्लासेस में आपकी कैपिटल एडजस्टमेंट्स बहुत शानदार तरीके से हो जाएंगी, फिर चाहे कैसा भी सवाल आए आप बहुत ही आसानी से कर पाओगे. तो जल्दी से कॉपी पेन ले आओ, आज शानदार फिर से दो सवाल करेंगे, मजा आ जाएगा, कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करते चलेंगे. चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन. चलिए जी जल्दी से शुरू करते हैं बच्चे. देखो ये है हमारा तीसरा कैपिटल एडजस्टमेंट, व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज इक्वल टू द टोटल कैपिटल बिफोर रिटायरमेंट. इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि हमें ये कहा गया है कि रिटायरमेंट से पहले जो आपकी कैपिटल थी ना वो ही होनी चाहिए रिटायरमेंट के बाद भी. तो रिटायरमेंट से पहले जैसे इनकी कैपिटल कितनी थी, देखो 2, 3, 2, 7 लाख रुपए जब तीनों फर्म कर चला रहे थे तो 7 लाख की कैपिटल थी. तो आफ्टर रिटायरमेंट भी 7 लाख ही होनी चाहिए, यानी पैसे की कमी ना हो, लेके आओ और पूरा करो कैपिटल को. ये चीज है. अच्छा पिछले वाले दो केसेस कौन कौन से करे थे हमने? एक केस में आपको न्यू कैपिटल गिवन थी, एक केस में ये बोला गया था कि बस अब जो कैपिटल आई है इसी को न्यू रेशो में कर दो. अब फिलहाल पुराने की जैसी सेम करनी है तो क्वेश्चन में काफी सारी एडजस्टमेंट है. रिवैल्यूएशन बनाना है, पार्टनर कैपिटल बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है. आ जाओ बनाना चालू करते हैं. क्या क्या बनाने वाले हैं हम? सर हम बनाने वाले हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट. हमारे पास रीवैल्यूएशन अकाउंट बना देंगे छोटा सा. कैपिटल अकाउंट बच्चों हमेशा बड़ा बनाना पड़ेगा. क्यों सर? बड़ा इसलिए बनाना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर हमें कैपिटल्स को एडजस्ट करना है. कौन कौन हमारे पास यहाँ पे पार्टनर्स थे इस क्वेश्चन में वो अभी देखता हूँ मैं. और एक हमारे पास आ जाएगा बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में हमारे पास लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट. आओ सर वाइट पेन यूज करेंगे हम, उसके बाद एडजस्टमेंट्स के लिए मैं येलो यूज कर लूंगा ताकि चीजें बेटर हो जाए. चलो भाई कौन कौन पार्टनर थे एक बार ये पता चल जाए बस जल्दी से मुझे कि पार्टनर कौन कौन है. पार्टनर हैं अरुणा, करुणा, वरुणा, ए के और वी. ठीक है, ए के वी, ए के वी. सबसे पहले तो इनका बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लेता हूँ. 2 लाख 3 लाख 2 लाख यही था, 2 लाख 3 लाख और 2 लाख. चलो सर, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ अरुणा, करुणा, वरुणा हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल. प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल है यानी वही 2:3:2 है इस बार. ठीक है, ये बैलेंस शीट दी हुई है. बैलेंस शीट में कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, उससे पहले मैं ये देख लूँ कुछ बांटने वाला है क्या. लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर और कैश. इधर तो कुछ नहीं है, इधर जनरल रिजर्व दिख रहा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिख रहा है. सर क्या कोई एडजस्टमेंट है? अच्छा अरुणा रिटायर हो रही है, ए रिटायर हो रहा है. ठीक है, लैंड बिल्डिंग पे है, मशीनरी पे है, बैड डेट यानी डेटर पे है, वर्कमैन का क्लेम है 8,000 रुपये का. वर्कमैन का क्लेम है बच्चों 8,000 रुपये का और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 15,000 रुपये का है. ठीक है, अरुणा, करुणा, वरुणा 2:3:2 8,000 रुपये का क्लेम है. तो सबसे पहले तो आप यहाँ लिखो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 8,000 रुपये का. रिजर्व कितने का था? 15,000 रुपये का. तो 15 में से 8 तो इधर चला जाएगा क्लेम में, बाकी कितना बचा आपके पास? 15 में से अगर 8 चला गया तो 7,000 बचा. वो 7,000 पार्टनर्स आपस में बांट के घर लेके जाएंगे. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 2,000 3,000 2,000 है ना सर. इसकी एंट्री क्या होती है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम टू अरुणा, टू करुणा, टू वरुणा. याद है ये कितना था? 15,000. 15,000 में से 8,000 इधर चला गया तो जो बचा 2, 3, 2
डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है जी, लाइबिलिटी में हमारा सिर्फ क्लेम वाला पार्ट आता है। ठीक है सर, जनरल रिजर्व भी बांट देते हैं, जनरल रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जनरल रिजर्व कितना है? जनरल रिजर्व है 35,000 रुपीस का। तो 35,000 रुपीस का जनरल रिजर्व है, 35,000, 10,000, 15,000, 10,000 जनरल रिजर्व भी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बच्चों। सर अब सीधा एडजस्टमेंट्स पे चला जाए, है ना? ठीक है सर, जनरल रिजर्व भी हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन भी हो गया, और कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने वाला नहीं है। 31 मार्च पे अरुणा रिटायर हो रही है। अब क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाय 30%। लैंड बिल्डिंग को 30% से बढ़ा दो। लैंड बिल्डिंग कितने का था? 2,00,000 का था। 2,00,000 को 30% से बढ़ाऊंगा तो अब 2,60,000 हो जाएगा। लैंड बिल्डिंग को 30% से बढ़ाऊंगा तो 2,60,000 हो जाएगा। यहाँ लिखूंगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग 60,000 रुपीज से बच्चों लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गया। ठीक है सर, और क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ता है तो फायदा होता है, इसलिए इसके क्रेडिट में आया। मशीनरी टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 20%। मशीनरी को 20% से डेप्रिशिएट कर दो। 3,00,000 की मशीन थी, 3,00,000 पे 20% डेप विल बी 60,000, तो 240 बचेगी, है ना? 3,00,000 पे 20% 60,000 आ जाएगा, 240 बचेगी। डेप्रिसिएशन जो लगा है तो हम यहाँ लिखेंगे टू मशीनरी। डेप्रिसिएशन लग गया सर 60,000 रुपये का। ठीक है जी, ये भी आ गया, मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लग गया। देयर वर बैड डेट्स ऑफ रुपीज 17,000। 17,000 के बच्चों बैड डेट्स थे। अब बड़े ध्यान से समझना, देखो डेटर थे एक दस के डेटर थे, जिसपे 10,000 का प्रोविजन बना हुआ था कि 10,000 के लिए तो हम रेडी थे कि अगर बैड डेट होंगे तो कोई बात नहीं, हम रेडी हैं। लेकिन हुआ क्या, टोटल जो बैड डेट हुए वो 17,000 के हो गए। तो 10,000 तो चलो प्रोविजन के लिए हम रेडी थे, 7,000 का फालतू घाटा हो गया। 7,000 का फालतू घाटा हो गया नहीं हो गया भाई, मैं रेडी था 10,000 तक के बैड डेट्स के लिए, क्योंकि मैंने 10,000 का प्रोविजन पहले से बनाया हुआ है। बट एक्चुअल में बैड डेट 17 के हो गए, तो 7,000 के जेब से होंगे, घाटा होगा, लिखो रिवैल्यूएशन के डेबिट में। रिवैल्यूएशन के डेबिट में टू बैड डेट्स 7,000 रुपए। ठीक है, अब सर डेटर पे क्या इंपैक्ट आएगा? डेटर पे ये इंपैक्ट आएगा बच्चों कि आपके जो डेटर थे, जो आपने डेटर दिखाए हुए थे, वो आपने 110 में से 10 तो पहले से आप सोच के चल रहे थे कि ये तो होने ही होने हैं बैड डेट्स, तो आपने पहले ही 1,00,000 दिखाए हुए थे, तो 7,000 और फालतू हो गए, तो वो भी माइनस करो। तो 1,00,000 में से 7,000 हटाऊंगा तो कितना बचेगा, 93 बचेगा। तो बेसिकली 110 में से 10 तो पहले से ही हटा हुआ था, 1,00,000 ही लिखा हुआ था मैंने, 10 का तो मुझे पहले से उम्मीद थी, 7 और हो गया वो और हटा दो। ठीक है, यहाँ पे हमने बैड डेट्स दिखा दिए। चलो सर ये भी डन हो गया, इसके अलावा और क्या दिया हुआ है, ये डन। द क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन, ये डन। गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 140 एंड अरुणा का शेयर ऑफ गुडविल विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द कैपिटल अकाउंट। करुणा एंड वरुणा हु हैव डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशो 4:3। उन्होंने जो फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस डिसाइड करे हैं बच्चों, वो 4:3 में रखा है। ठीक है, तो पहले गेनिंग रेशो निकाल लेते हैं। गेनिंग रेशो कैसे निकलती है बच्चों? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। अरुणा करुणा वरुणा 2:3:2 था इनका ओल्ड रेशो, 2:7, 3:7, 2:7, और जो न्यू रेशो इन्होंने डिसाइड करा वो करा 4:3। तो 4:7, 3:7 ये तो निल हो गया, तो 0 माइनस 2:7 माइनस का 2:7 ये तो सेक्रीफाइस ही करेगी। अरुणा तो जा रही है तो ये तो सेक्रीफाइस ही करेगी। इसको कितना गेन हुआ, 1:7 का गेन। इसको कितना गेन हुआ, 1:7 का गेन। इन दोनों को बराबर बराबर गेन हो गया बच्चों, है ना? देखो हम हमेशा यहाँ पे देखते हैं ओल्ड और न्यू, पहले 3 अब 4, पहले 2 अब 3, तो देखो गेन हो रहा है ना। अच्छा जी, एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो के डेबिट वी डेबिट टू ए। गुडविल ऑफ द फर्म कितना है, गुडविल ऑफ द फर्म कितना है बच्चों? गुडविल ऑफ द फर्म इज 1,40,000। ओके, 1,40,000 गुडविल ऑफ द फर्म है,
अरुणा का शेयर था 2/7, 40,000 रुपए, दोनों बराबर बराबर गेन कर रहे हैं तो बराबर बराबर पे करेंगे, 20,000 रुपए दोनों पे करेंगे बच्चों। ये गुडविल की एंट्री है, जल्दी से अपने पास लिख लो, दोनों ही बराबर बराबर पे करेंगे, ठीक है। तो के और वी के डेबिट में 20,000, के और वी के डेबिट में 20,000 किसको दिया ये पैसा इन्होंने, अरुणा को। और इधर बाय के बाय वी 20,000 लो सर, ठीक है। अरुणा को बेटा गुडविल का पैसा मिल गया, चलो सर गुडविल भी एडजस्ट हो गई। उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद लिखा हुआ है कैपिटल, यहां ध्यान देना बच्चों, देखो क्या दिया है बड़े ध्यान से। चलो कैपिटल का एडजस्टमेंट करने सीखना शुरू करें। कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इन टोटल विल बी द सेम एज बिफोर द रिटायरमेंट, जो नई फर्म का कैपिटल है वो सेम रखना है जो रिटायरमेंट से पहले था। अच्छा, एंड विल बी इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ओके, अब समझ में आया कि क्या करना पड़ेगा। अमाउंट ड्यू टू अरुणा, जो अरुणा का अमाउंट है वो कैसे सेटल करना है, 50,000 तो कैश में दे दो और जो बैलेंस है वो लोन अकाउंट में डाल दो, ठीक है जी। ये भी देख लेते हैं, चलो 50,000 कैश में देना है, पहले हम वहां पे चलते हैं कि भैया बैलेंस निकालने की कोशिश करते हैं। चलो जी, अब मैं थोड़ा सा पेन का कलर चेंज करता हूँ क्योंकि अब हम बैलेंसिंग पे आ गए। आओ जी बैलेंसिंग करना चालू करते हैं, मुझे लॉस दिखाई दे रहा है भाई। देखो 67-60 7,000 रुपए का लॉस आ रहा है, बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, अरुणा करुणा वरुणा। ओल्ड रेशो में तो 2,000 3,000 2,000, इधर लिख देंगे 2 रिवैल्यूएशन, 2,000 3,000 और 2,000। चलो भाई अब अरुणा का पेमेंट भी करना है, अरुणा का हिसाब किताब भी करना है। आओ जरा करना चालू करते हैं फटाफट से, सबसे पहले अरुणा का ही करते हैं। अरुणा ने टोटल पैसा लगाया कितना था और कितना उसको मिलना है, पहले हम यही हिसाब करते हैं। अरुणा ने सर 2,00,000 रुपए लगाए थे, ठीक है, 2,000 का WCR मिल गया उसको, ठीक है, 10,000 रुपए का जनरल रिजर्व मिल गया, ठीक है, 40,000 रुपए गुडविल के मिल गए, ठीक है। तो 252 टोटल इसको मिले हैं, इसमें से 2,000 इसके लॉस के कट जाएंगे, तो इसके 2,50,000 का बैलेंस बच रहा है बच्चों। कितना बैलेंस बच रहा है, 250। अब कैसे करना है, बोला है 50,000 तो इमीडिएटली दे दो कैश में से, क्या मेरे पास कैश है या क्या है मेरे पास, क्वेश्चन में 50 देना है कैश में, कैश है या बैंक है, कैश एट बैंक है, यानी बैंक में 1,00,000 रुपए थे पहले से, ठीक है जी। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे लिखना चालू करते हैं कि बैंक में हमारे पास 1,00,000 रुपए का तो बच्चों बैलेंस था पहले से, इसमें से 50 है जो अरुणा को दे दिया इमीडिएटली, 50 अरुणा को इमीडिएटली दे दिया, तो टू बैंक ये बच्चों अरुणा को दे दिया, बाकी हम उसके लोन में डाल देंगे, अरुणा का लोन 2,00,000 रुपए। देखो 250 का बैलेंस आया था ना इसका, 252 में से 2,000 हटाया तो 250 का बैलेंस आया था, जिसमें से 50 इमीडिएटली पे कर दिया, बाकी मैं लोन में डालूंगा, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अरुणा का लोन 2,00,000 रुपए का तो लोन है। चलो सर बाकी दोनों का बैलेंस निकाल दो, टू बैलेंस कैरेट डाउन, करुणा और वरुणा 3,03,000 15,000 3,03,000 15,000 3,18,000 3,18,000 में से 23 हटा देता हूँ, 295 का इसका बैलेंस आ गया। और इधर 2,12,000 इसमें से 22 हटा देता हूँ, 1,90,000 तो हमारे पास 252 3,18,000 2,12,000 लो जी सर। देखो ये लॉस है, ये पेमेंट करा, ये लोन में ट्रांसफर करा, ये कैपिटल निकल गई बिफोर एडजस्टमेंट्स।
राइट। अब देखो बच्चों, हमारे पास फिलहाल जो इन्होंने कैपिटल लगाई हुई है वो कितनी लगाई हुई है, ये देखो रिटायरमेंट के बाद जो इनकी कैपिटल बच रही है वो बच रही है 295 तो इसकी और 190 इसकी, देखो ये बच रही है। अब बोला क्या गया है बच्चों, बोला ये गया है कि रिटायरमेंट के बाद जो कैपिटल होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए जो रिटायरमेंट से पहले थी। अब सर रिटायरमेंट से पहले कितनी कैपिटल थी, रिटायरमेंट से पहले तो बच्चों इनकी कैपिटल ये थी 2 और 3 5 और 2 7, तो कितनी होनी चाहिए, यही होनी चाहिए सर, 7 लाख ही होनी चाहिए। तो जो टोटल न्यू कैपिटल होनी चाहिए वो होनी चाहिए 7 लाख, और वो भी न्यू रेशो में, और न्यू रेशो कितना है इनका, न्यू रेशो है सर 4:3, 4:3 है तो कैपिटल होनी चाहिए 4 लाख और 3 लाख, 4:3 है ना बच्चों, तो कैपिटल कितनी होनी चाहिए 4 लाख और 3 लाख, 4 लाख और 3 लाख। तो देखो सर इसकी कितनी है 295, तो भैया इसको पैसा लाना पड़ेगा 4 लाख करने के लिए, कितना पैसा लाना पड़ेगा 295 से 4 लाख करनी है तो 1,05,000 रुपये तो इसको लाने पड़ेंगे, यानी बैंक में करुणा लेके आएगी 1,05,000 और वरुणा की 190 है 3 लाख होनी चाहिए, 190 है 3 लाख होने चाहिए, तो इसको लाने पड़ेंगे 1,10,000 रुपये, 1,10,000 रुपये कौन लेके आएगा, ये लेके आएगी वरुणा, तो टोटल बैंक में कितना पैसा हो जाएगा, बैंक में 1 लाख पहले से था, 50,000 का हमने पेमेंट कर दिया, अब और कितना इंट्रोड्यूस हुआ 1,05,000 और 1,10,000, 265 बच्चों टोटल मेरे पास बैंक में पैसा हो जाएगा। देखो ये पहले से था, ये हमने पेमेंट करा, ये घर से लेके आए, तो 265 टोटल बैंक में हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लो जल्दी से। तीसरा काइंड ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट, अब बच्चों कुछ बुक्स में ना ये कैपिटल एडजस्टमेंट ऊपर ही कर देता है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि कैपिटल एडजस्टमेंट हमेशा अलग से करो, आपको समझ में आएगा, क्लैरिटी रहेगी, कन्फ्यूजन नहीं होगा कि क्यों कैसे हो रहा है ना, नहीं तो कन्फ्यूजन ही रहता है। स्क्रीनशॉट ले लिया क्या, बैंक में हो गया 265, बैंक में हो गया 265, करुणा और वरुणा की कैपिटल 4 लाख और 3 लाख, 4 लाख और 3 लाख, और मेरे पास अब बचा क्या क्या, कैपिटल हो गया, जनरल रिजर्व, क्रेडिटर रह गया 50,000 रुपये का, ठीक है पहले क्रेडिटर ही लिख देता हूँ 50,000 रुपये का, क्रेडिटर 50,000। अब एसेट्स में क्या क्या बचा बच्चों, एसेट्स में लैंड बिल्डिंग मशीनरी डेटर बैंक हो गया, लैंड बिल्डिंग मशीनरी डेटर बैंक हो गया, बस स्टॉक बचा 1 लाख रुपये का, 1 लाख का स्टॉक आओ सर, बैलेंस शीट टैली करते चलते हैं जल्दी से, बैलेंस शीट टैली करते हैं, कितना आ रहा है 8,000, 2 लाख, 4 लाख, 3 लाख एंड 50,000, 9 लाख, 58,000, और इधर क्या है 260, 240, 93, 265, 1 लाख, बिल्कुल सही 958। देखो बच्चों हो गया ना कैपिटल एडजस्टमेंट एक और शानदार तरीके से, तो ये हमारे पास तीसरा काइंड ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट होता है, जिसमें ये बोलता है कि जो कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स है वो सेम उतनी ही होनी चाहिए जितनी रिटायरमेंट से पहले थी, ठीक है ना बच्चा। चलो सर ये भी समझ गए, अब चलेंगे हम केस नंबर 4, कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 4, उसमें क्या है सर आ जाओ, ये हो गया है, ये आ गया, व्हेन रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी पेड फ्रॉम अमाउंट ब्रॉट बाय द रिमेनिंग पार्टनर
in a manner to make their capital proportionate to their new profit sharing ratio. सर इसका मतलब क्या है? ये तो थोड़ा गड़बड़ सा लग रहा है केस, कैसे होगा ये? देखो इसका मतलब समझना, इसमें क्या है, इसमें ये बोल रहा है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है ना, उसका पेमेंट करना है फ्रॉम द अमाउंट ब्रॉट बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स. इसका मतलब ये है कि हम लोगों को जो पेमेंट करना है वो इस तरीके से करना है कि भैया आप घर से लेके आओ वो पैसा, यानी जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं वो घर से लेके आएंगे वो पैसा, और घर से लाने के बाद में उनकी कैपिटल प्रोपोर्शनेट भी होनी चाहिए. इन सच अ मैनर टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. इसका मतलब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस केस में रिटायरिंग पार्टनर को पे करने के लिए रिटायरिंग पार्टनर का अमाउंट, एक तो वो घर से लाना है वो लेके आओ, दूसरा कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स की कैपिटल ले लो, इसमें जोड़ दो आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, और ये जब जुड़ जाएगा तो आपके पास टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म आ जाएगी. इसको आप न्यू रेशो में बांट देना, इसको आप न्यू रेशो में बांट देना. तो ये हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 4 होता है, जिसमें आपको क्या करना होगा, रिटायरिंग पार्टनर को जो अमाउंट पे करना है ना वो लो, क्योंकि वो भी पार्टनर को घर से लेके आना है, प्लस जो उनकी कैपिटल बनी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स वो लो और इसको न्यू रेशो में बांट दो, तो वो आपके पास फाइनल कैपिटल एडजस्टमेंट हो जाएगा. बड़ा क्वेश्चन है, आज करेंगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा. आप एक काम करो, आप पहले थर्ड वाला कैपिटल एडजस्टमेंट जो हमने ये करा है कि भैया जो नया है वो पुराने के बराबर होना चाहिए, आज पहले इसी की प्रैक्टिस कर लो. मैं कल की पूरी क्लास डेडिकेट करता हूँ इस पे, 3 की जगह 4 क्लासेस में बन जाएगा, लेकिन कैपिटल एडजस्टमेंट रिटायरमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आनी चाहिए. इसको कल की क्लास में पूरा करते हैं बच्चों. तो आज के लिए इतना ही, यहीं रखते हैं, जल्दी नहीं करनी, इसके अंदर प्रॉब्लम हो जाएगी अगर एक ही क्लास में करने की कोशिश करेंगे, कन्फ्यूजन हो जाएगी. तो आज पहले 3 केसेस की प्रैक्टिस कर लो, 4th केस कल की क्लास में कराता हूँ उसको शानदार तरीके से, ठीक है? ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून, टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग.